काउंसलिंग फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शिमला के सौजन्य से हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में रसायन विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों के लिए रासायनिक तत्वों के फायदे और नुकसान को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार के पहले दिन रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान पढ़ाने के साथ स्थानीय स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रदर्शन के माध्यम से भी जानकारी दी गई। काउंसलिंग फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शिमला के सौजन्य से हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में रसायन विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों के लिए रासायनिक तत्वों के फायदे और नुकसान को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार के पहले दिन रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान पढ़ाने के साथ स्थानीय स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रदर्शन के माध्यम से भी जानकारी दी गई। सेमिनार में लखनऊ से आए CISR रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद अखिला ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले सेमिनार में बच्चों को रासायनिक तत्वों की जानकारी मुहैया करवाना है, तो साथ में खान पान कैसे करें और किन चीजों से शरीर को नुकसान होता है, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। इसके साथ ही अरोमा थेरेपी का प्रयोग कैसे हो ताकि बीमारियों से बचा जा सके, वहीं रोजमर्रा में खाने वाली फल सब्जियों को किस तरह से जानकर इस्तेमाल करें और इन सब्जियों को पानी में कैसे उगाएं, इस पर जानकारी दी जाएगी। ये जो वर्कशॉप है, ये एक तरीके से ट्रेनिंग कह लीजिए या ओरिएंटेशन फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो हमारा जो आज यहाँ पर केमिस्ट्री के टीचर्स इकट्ठा हैं करीब 50 to 60 एंड अबाउट द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो हम उनको ये वहाँ से, मैं लखनऊ से आया हूँ, 3 दिन की वर्कशॉप है जिसमें हम केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ पर जनरल यूजेस हम लाइफ में करते हैं, वैसे जैसे कि हाउ टू मेक दी हर्बल प्रोडक्ट्स, है ना, क्योंकि सारा कुछ केमिस्ट्री ही है आजकल, हर्बल प्रोडक्ट्स का बहुत बूम हो गया है, तो हम दिखाएंगे भी कि कैसे आप बना सकते हैं फेस पैक्स या हेयर डाई और हेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये सारा डेमोंस्ट्रेशन भी होगा। दूसरा एक और है जैसे कि आजकल एरोमा का बहुत यूज़ है, एक नई साइंस आ गई है, लोग थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं एरोमा थेरेपी, कि हाउ टू ट्रीट योर सेल्फ बाई यूजिंग नेचुरल एरोमा, जैसे कि ऑलरेडी यूज बहुत होता है, हम पेपरमिंट यूज़ करते हैं, कैम्फर यूज़ करते हैं, सुगंध से ही कई बीमारियाँ ठीक की जाती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दो चीज़ें ये हो गई, और तीसरा हम यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं कि हम फल सब्जियाँ जो आजकल हमारी हेल्थ को, कितना उनके अंदर कीटनाशक है, कितना जहरीला पदार्थ है ज़मीन से जा रहा है, हम खा रहे हैं हमें पता भी नहीं है, तो किस तरह से हम कम से कम अपने घरेलू फल सब्जियां, बैंगन टमाटर धनिया मिर्चा वगैरह वगैरह, ये सब हम कैसे उगाएं और पानी में उगाएं जो कि ज़मीन में ना उगाएं, ये भी एक नई तकनीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें इन लोगों को नई बताने आया हूँ, उनकी जानकारी देने आया हूँ कि ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, दुनिया में शुरू हो गई हैं, हमारे देश में भी शुरू हो गई हैं, कि उनको अपने जीवन में कैसे उतारें, और ये सारा कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वर्कशॉप ये केमिस्ट्री की है। तो बिना मिट्टी की खेती, यानी कि बिना ज़मीन इस्तेमाल किए हम पानी में किस तरीके से अपने फल और सब्जी उगा सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन देंगे, बताएंगे। तो ये 3-4 विषयों पे यहाँ पे 3 दिन में चर्चा होगी। सीनियर साइंटिस्ट परिणीता ठाकुर ने बताया कि रसायन के बारे में जानकारी दिलाने के लिए शिक्षकों और बच्चों को कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सेमिनार में रसायन विज्ञान के बारे में आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 दिनों की कार्यशाला में नए आविष्कारों से अध्यापकों और बच्चों को अवगत करवाया जाएगा। ये वर्कशॉप जो है हम टीचर्स को ट्रेन और स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए लगा रहे हैं जो केमिस्ट्री पे, क्योंकि जैसा कि इस साल जो है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो इसीलिए केमिस्ट्री के हमीरपुर के टीचर्स को बुलाया गया है ताकि उनको पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री प्लस जो आज तक की लेटेस्ट इन्वेंशन हो चुकी है इस फील्ड में उससे अवगत करा जा सके। इसके लिए हमने एग्जीबिशन का भी अरेंजमेंट किया गया है, जो डॉक्टर राज मल्होत्रा हैं यूपी से, जो हेड रीजनल साइंस सिटी है उनके हेड हैं, तो उनको बुलाया है, वो बच्चों के लिए भी एग्जीबिशन लगाएंगे और पीरियडिक टेबल पर और केमिस्ट्री, साथ में एक हमारे डॉक्टर आनंद अखिला हैं जो एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमा पे बेसिकली फोकस करेंगे, और डॉक्टर स्वाति वड़ेकर हैं जो बड़ौदा से हैं, वो वुमेन हाइजीन प्लस केमिकल्स पे कैसे बाय डेमोंस्ट्रेशन मेथड टीचर्स को ट्रेन करेंगे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है
ताकि नई इनोवेशन से टीचर्स को और स्टूडेंट को अवगत कराएं और ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से फन फील्ड वे में हर सब्जेक्ट को इजीली समझ पाएं। वहीं इस अवसर पर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्वनी चंब्याल ने बताया कि सेमिनार में बहुत कुछ अध्यापकों को सीखने को मिलेगा और रसायन का जीवन के लिए क्या महत्व है और रसायन के बारे में नई जानकारियों का भी ज्ञान मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षकों के द्वारा 3 दिनों तक रसायन विज्ञान की जानकारी दी जाएगी। आयोजन आज यहाँ पे किया हुआ है, इसमें हमीरपुर जिला के 60 जो टीचर्स हैं साइंस फैकल्टी के और स्पेशली केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग, उनको यहाँ पे बुलाया हुआ है। और इस कार्यशाला का आयोजन हिमकॉस्टो यानी शिमला की द्वारा ये करवाया जा रहा है। मैं इसमें समझता हूँ कि जो टीचर्स यहाँ पे आए हैं, बहुत कुछ उनको सीखने से मिलेगा। केमिस्ट्री का हमारे जीवन के साथ क्या रिलेशन है, हमारी बॉडी की जो रचना है, जो संरचना है, उसमें केमिस्ट्री को हम कैसे उसको बता सकते हैं, उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, भिन्न भिन्न जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त होगा। इन टीचर्स के साथ हमने जो बच्चे हैं उनको भी जोड़ा हुआ है, और क्योंकि ये इंटरनेशनल जो ईयर है पीरियोडिक टेबल का, उसको हम मनाने जा रहे हैं, तो जो हमारे जो रिसोर्स पर्सन आए हैं, बहुत ही जीनियस लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और वो इन टीचर्स को सबको ट्रेंड करेंगे, साथ में बच्चों को और भी जो टॉपिक हैं उनके ऊपर भी जो ज्ञान उनको वो देंगे। मैं समझता हूँ कि जो टीचर जो यहाँ से जो केमिस्ट्री के ऊपर स्पेशली जो ये ट्रेंड होंगे, तो आगे जाकर हमारे बच्चों को उनका बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। कार्यक्रम में वक्त चला, छोटे पे का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।